वे जमन खीरा लेके आए हो? खीरा लाए हो? बहुत देर तक तो हम कंफ्यूज रहे कि खीरा है कि लौकी है। मिल जाएगा? नहीं सोचे हो ज्यादा है, मोटे से देख के सोचे हो ज्यादा है, ले लो ज्यादा देख के। दिखाओ जरा कहाँ बांधे हो, देखे देखे तो, अरे दिखाओ। देखिए दोस्तों खीरा जो है खरीद के लाए, बताइए केले वाले से। जहाँ अगर भूकंप आया हो वहाँ भी दिया जाए तो कोई इसको नहीं खाए। ऊपर का कवर इसका खरबूजे की तरह। हेलो दोस्तों, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज है संडे का दिन और आज जो है छुट्टी थी हम लोगों की, लेकिन शाहनवाज को आज काम पे जाना पड़ गया क्योंकि अर्जेंट कुछ काम निकल आया, तो शाहनवाज को जो है जाना पड़ गया। बाकी जो है हमारी और जमन की छुट्टी थी, अभी तो हम लोग घर पे ही हैं। और आज छुट्टी का दिन मिला तो थोड़ा बहुत जो काम रहेगा वो भी जो है निपटा लेंगे। बहुत सारा काम भी है, घर का भी कुछ काम रहेगा और कुछ जो है हमारा पर्सनल काम भी था, तो हमने सोचा जो है चलिए आज संडे का दिन है इसको भी निपटा लें। उसको क्या लगा कि माइक का जो है ये लाना आएगा, कनेक्टर भी। तो हमारा ये वाला बोया का जो माइक था पहले यूज़ करते थे, इसका कनेक्टर लाना है। ये है कि वायरलेस माइक तो नहीं है ये, लेकिन इसका जो क्वालिटी जो हमने देखा है बहुत अच्छी रहती है बोया की माइक की। और आज दोपहर में जो है हमारे यहाँ जो बनी है, ये देखिए आज बनी है हमारे यहाँ दोपहर में तहरी। क्या है कि दिन में हल्का फुल्का खाना जो रहता है चल जाता है, और फिर रात के कुछ ना कुछ स्पेशल जो है हम लोग बनाते हैं। कभी तो जा रहे हैं तहरी खा लें पहले, तो उसके बाद रात के बारे में सोचेंगे कि हमको जो है क्या बनाना है। घर पे अभी तो कोई है नहीं, अब्बा भी गए हुए हैं काम पे, एकदम जो है सूना सूना है। अम्मा लेटी हुई हैं और शाहनवाज तो काम पे गया है, जमन भी गया है कहीं निकला हुआ है किसी काम से। तो पहले जो है क्या था कि बोया का माइक हम इस्तेमाल करते थे वायर वाला, हर व्लॉग की वीडियो में हमने जो है एक भी बार इस्तेमाल नहीं किया। पहले जो है दूसरा जो है चैनल जो अब्बा का था उसमें इस्तेमाल हो रहा था, फिर उसके बाद हम ये वाला माइक लेकर आए थे। ये वायरलेस माइक है, ये हमको जो है 1000 रुपये का मिला था, लेकिन इसकी भी क्वालिटी हमको जो है कुछ खास नहीं लगी। अब हम प्लान जो है कर रहे हैं माइक लेने का डिजीटेक का, तो कुछ टाइम के बाद जो है डिजीटेक का माइक जो है फिर हम लेंगे, उसकी क्वालिटी थोड़ा बेटर है। रोड का भी माइक आता है, लेकिन जो है अभी तो हम फिलहाल डिजीटेक का माइक से काम चला लेंगे। चलिए फिर दोस्तों, पहले हम खाना खा लें, उसके बाद जो है डिसाइड करते हैं कि जो है रात का प्लान क्या रहेगा, किस तरह की रेसिपी जो है बनाई जाएगी। ये देखिए इसमें सोयाबीन भी जो है डली हुई है, अब एक पीस जो है अचार का हम ले लेंगे, अचार के साथ खाएंगे। अरे सोयाबीन बहुत अच्छी लगती है, उसको जो है बिछा के खाना चाहिए ताकि आपका जो है गंदा भी ना हो बेडशीट या ज़मीन पे, अगर खाएंगे तो ज़मीन भी जो है गिरता है ना। अम्मा शाहनवाज का पैजामा सिल रही हैं अभी, देखिए छोटी वाली हाथ वाली मशीन से। जमन जो है 2 घंटे से सो रहा है, ये आपको लगता है आज रात में जाके गई है बहुत देर तक। शाहनवाज का क्या है कि इतना मोटा है ना, उसके लिए पैजामा बहुत सारा सिलना पड़ता है, और ऊपर जो है कुछ नहीं पहने रहता, दिन में गर्मी ज़्यादा लगती है, उतार देता है सब, ऐसे ही बैठा रहता है। और जमन अभी सो के उठेगा, चाय बनाएगा, हम लोग चाय पियेंगे। उठ ही चुका है, नींद खुल गई इसकी। उठ जाओ, सुबह हो गई, 9 बज गए सुबह के, दुकान में जाना है आज, जल्दी से चाय बना लो फिर चले। दोस्तों अभी शाम के 6 बज चुके हैं, अब आज का प्रोग्राम होगा मटन लाएंगे, मटन बनेगा। घर में जो है अम्मा जो है कहने लगी कि जो है 1/2 किलो मटन लेकर आ जाओ, तो मटन बना लेते हैं। हमने कहा ठीक है, क्योंकि 2-3 दिन से चिकन और जो है मछली वछली बन रही थी, तो हमने कहा आज मटन ही बनवा लेते हैं।
तभी हम जा रहे हैं दोस्तों, आधा किलो मटन लेकर आते हैं। उसके बाद हमको क्या है नहाना भी है। अभी जो हम सो गए थे, सो के उठे हैं, तो हम जो है नहाएंगे पहले। बहुत गर्म भी हो रही थी, मतलब इतनी गर्म नहीं हो रही थी, हल्का फुल्का गर्म जो है पड़ती है, क्योंकि ऊपर का मकान है तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा महसूस होती है गर्मी। और इधर जमन अपनी आँख सेक रहा है, ये देखिए इसकी आँख जो है 4-5 दिन से इतनी लाल हो गई है, और जो है ड्रॉप डाल रहा उसके बाद भी जो है आराम इसको नहीं हो रहा। चक्कर क्या है ना, ये अपने गंदे गंदे हाथों से आँख को जो है इसे जो है मसलता है, और उससे इसकी आँखों में हो जाता है इन्फेक्शन। गंदे हाथ को आँख में नहीं लगाया जाता। तो ठीक है दोस्तों, अब हम जा रहे हैं मटन लेकर आते हैं। तो दोस्तों अभी हम आए हुए हैं शाहनवाज को जो है लेने के लिए, क्योंकि जो है शाहनवाज आज काम पे गया हुआ था और हम लोग गए नहीं थे। तो ये बंसल बिल्डिंग हम आए हुए हैं, देखिए इस बिल्डिंग में काम लगा हुआ है शाहनवाज का। अभी थोड़ी देर में शाहनवाज आएगा, तो यहाँ से हम इनको रिसीव करके फिर घर की तरफ जाएंगे। और आज क्या है कि मैं कई जगह गया तो मटन की दुकान बंद थी, तो मैं सोच रहा हूँ कि फिश ले लूँ आज। देखिए यहाँ का नज़ारा कितना बढ़िया है, मेट्रो लाइन का भी काम चल रहा है यहाँ पर, अब कुछ दिनों में जो मेट्रो भी चालू हो जाएगी। भाई शाहनवाज आ चुके हैं, अब चल रहे हैं हम घर की तरफ। चलिए फिर, शाहनवाज को ले लिया है, अब इधर से जो है फिश लेते हुए घर पहुँचेंगे, फिर सारी तैयारी होगी। तो चलिए दोस्तों फिर चल रहे हैं। तो भाई यही जो है मछली, ये वाली मिली तो हम मछली ले आए हैं, ये देखिए अब बिल्कुल फ्रेश मछली मिल रही थी, ताज़ी बिल्कुल, ये देखिए पीस देख के आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितनी ताज़ी मछली होगी। ये देखिए, ये देखिए, कई जगह मिल रही थी लेकिन बासी थी, तो हमने जो है 3-4 दुकान देख के बिल्कुल फ्रेश मछली लिया। पापा भी आ चुके हैं अभी घर पे, 1 किलो से थोड़ी ज़्यादा है, पूरा पैसा दे के भेजा करो। 110 रुपया दे के भेजी ना, मिली है 150 की, 150 की, सही है, आज मज़ा आ जाएगा आज, है ना। देखिए कितना खुश हो रहे हैं अब्बा मछली देख के। अब तैयारी करना है बस, और क्या है, कितनी देर में बन जाएगी भाई साहब। अब ये मछली जो है मसाले में जो है डाल दी है भूज के, अब वही प्रोसीजर है भाई जैसे पहले बनती थी, वही तरीका है बनाने का, तरीका भाई। एक मिनट रुकिए, जरा अंधेरा बहुत हो रहा है, जरा वो जला ले, शाहनवाज लगाओ। ये थोड़ा काजू जो का ये मामला है, काजू भी डलेगा गला यार, क्या काजू है, थोड़ा बादाम है, थोड़ा पिस्ता है, ऐसे थोड़े ना काम चल रहा है यहाँ। आज तो भाई बोले स्पेशल तरीके से जो है बनाया जा रहा है, और इसका जो है मसाला हम देख रहे हैं, इसके मसाले की भुनाई भी कुछ अलग तरीके से है, काजू बादाम भी इसमें डाला गया है, पीस के जो है पीस के काजू और बादाम इसपे पीस के डाला गया है। आज तो अब्बा बड़े मजे से खाएंगे भाई। फिश करी बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी है, अब जो है जा रहे हम खाने के लिए। कहा कि मसाला जो है अम्मा पूरा तैयार करके पहले रखे हुए थी, बस जैसे ही मछली आई वैसे ही जो है मसाले में जो उसमें डाल दिया करी के अंदर, तो वो निकाल लेंगे अम्मा खाना, हम जो है खा ले रहे हैं, शाहनवाज भी जो है खा ही रहे हैं। देखिए, और थोड़ा क्या है कि पीस जो है हमने थोड़ा बड़ा बड़ा कटवाया था, बहुत पतला पीस नहीं करवाया था। फ्राई अगर करना होता है मछली को तो पतला पीस सही रहता है, ऐसे अगर जो है ग्रेवी में बना रहे हैं, करी टाइप का बना रहे हैं, तब जो है थोड़ा मोटा पीस होना चाहिए ताकि जो है खाने में अच्छा लगे। और ये है अपनी जो है प्याज लच्छेदार, गोल गोल ऐसे कटी हुई है, ये देखिए ये देखिए पीस जो है, अब बहुत अच्छा आज का जो है जो ग्रेवी बनाया है मैंने, बहुत ही अच्छा जो है तैयार किया ग्रेवी। ये देखिए ये पीस जो है रोटी के साथ हम लेते हैं पीस, ये देखिए बहुत बढ़िया पीस है भाई, भुजिया नहीं लेते सालन बढ़िया नहीं मिलता, कच्चा कच्चा साठ सौ प्याज। इसमें हमारा एक जो है मुंडी का पीस है, हाफ पीस मुंडी का, ये देखिए ये हमारा हाफ पीस मुंडी का है। अब ये पार्ट हम निकलवा देते हैं, आँख वाला जो होता है, आँख इसमें नहीं लगी होनी चाहिए,
अजीब सा होता है, फिर खाने में मन नहीं भरता। और ये हमारा थोड़ा चिकने वाला पीस है, ये इस टाइप का जो पीस होता है सीने के पास का होता है चिकने का, और ये वाला पीस रूखा है। ये देखिए कितना प्यारा जो है बिल्कुल बर्फ़ी की तरह कटा हुआ है, ऐसा लग रहा है बर्फ़ी खा रहा हूँ। अब अब्बा भी जो है आने वाले होंगे अभी, बहुत जो है शौक से खाते हैं अब्बा, बहुत शौकीन है फिश खाने के। हम तो दोपहर में ये सोच रहे थे कि जो है हम और शानवाज मिल के बनाते हैं, कल भी यही प्लान बनाया था, लेकिन क्या हुआ कि आज जो है जाना पड़ गया शानवाज को काम पे, तो फिर अकेले हम बनाते तो थोड़ा सा जो हमको जो है प्रॉब्लम होती, बहुत मेहनत पड़ जाती, इसलिए हमने कहा रात में जो है अम्मा बना लेंगे, नहीं तो संडे का पूरा दिन हमारी छुट्टी रहती है, हमने प्लान बनाया था। चलिए दोस्तों फिर हम खाना जो है खा लें, खाना वाना हो गया, अभी बैठे हुए हैं। आवाज जो है इसमें जो है रखा हुआ था अंडा, और इसमें ही फूट गया। अब यही है कि हमको जो है तलवा के खाना पड़ेगा, थोड़ी देर के बाद खा लेंगे। और बाकी का जो है मछली जो है इसमें निकाल दी है, ये देखिए कितना बढ़िया बढ़िया पीस है इसमें। और ये अब्बा के लिए है, अब्बा भी आते होंगे तो अब्बा भी जो है खाना खा लेंगे। आवाज़ तो देखिए मछली का कोई जो है प्लान ही नहीं था कि जो है हमारे यहाँ मछली बनेगी, मूड हो रहा था मटन लाने के लिए, लेकिन दुकान अचानक से ऐसा बंद हो गई, आज शायद कोई त्यौहार भी था इसी वजह से दुकान बंद थी, तो हमने कहा चलिए फिर मछली ले लेते हैं, बन गई मछली। फिर चलिए फिर अभी अब्बा भी आ जाए तो खाना खा लें वो भी। तो ये सब बर्तन निकल आया, इसको रखाएं, जब तक रख के नहीं आते बस बार बार अम्मा जो है बोलती रहती हैं रखने के लिए, वाला काम नहीं करते बस इसी को रखना है ना। खाना खाने के बाद हम बैठते हैं थोड़ी देर। भाई कितनी बढ़िया हवा चल रही बाहर के, सर पर्दे वर्दे सब हिल रहे हैं, बहुत प्यारी हवा चल रही है, कितना अच्छा मौसम हो जाता है यहाँ रात को। नीचे छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, नीचे भी कुछ लोग रहते हैं रेंट पे, छोटे छोटे बच्चे हैं। अब्बा भी आ गए, इनका भी खाने का टाइम हो ही गया। मछली आज तो बहुत शौक से मछली खाएंगे, बहुत अच्छी बनी है ये। अब निकाला जा रहा है, और ये मिक्सर भी थोड़ा हमारा गड़बड़ हो गया, हम सोच रहे हैं मिक्सर को हटा के सिलबट्टा ले आए, सिल और बट्टा। और आटे में भी हमको थोड़ा दिक्कत आ रही है कि आटा हमको जो है इसमें रखा हुआ है ये वाले में तो पसंद नहीं आ रहा है। आटे के लिए हम सोच रहे हैं चक्की मंगवाए, चक्की वो ऐसे पीसने वाली जो होती है पत्थर वाली, उससे आटा क्या बहुत अच्छा पीसता आएगा, मशीन वाला सही नहीं रहता। एक हमको चक्की लाना है और एक सिलबट्टा ले आ रहे हैं, लेकिन ये है कि अगर हम हाथ वाली चक्की ले आएंगे या फिर जो है सिलबट्टा ले आएंगे तो मसाला पीसेगा कौन उसमें, ये भी तो बात है ना, सबसे बड़ी दिक्कत ये भी तो है। पहले वाला जमाना तो अब रह नहीं गया, तो कभी कदार इनसे पिसवा ले तो बात अलग है, फिर पीस दे दो। या फिर दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है, ये दूसरे ऑप्शन है, अगर जैसे पीस दें रात में बैठ के फ्री टाइम में तो बहुत अच्छी बात रहे, मंगवा लें चक्की। पुराने जमाना गया भैया, अभी ये सर झुका के मछली में ध्यान दे रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे, ये नया दौर है, तो बड़े बड़े पीस लिए हैं नए दौर में, क्या नए दौर में बस चक्की। अरे रात में फ्री रहते हो बैठ जाना, चक्की से पीसते रहे ना धीरे धीरे, इसे सारी जिंदगी ही तो कर रहे हैं, धीरे धीरे पीसते रहे ना कपड़ा धोने के बाद। हाँ पीस देना, खाना खा लो सुकून से, मछली का मामला है ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं, खा ले तब और मछली का मामला है, सुकून से खाते हैं, डू नॉट डिस्टर्ब। अभी डोंट टच, पहले खाने दो भाई। वे जमन खीरा लेके आए हो, खीरा लाए हो, बहुत देर तक तो हम कंफ्यूज रहे कि ये खीरा है कि लौकी है। ये देखो देखो तो देख तो लो जरा, देख एक मिनट, ये देखो ये देखो ये देखो
हम बहुत देर से कंफ्यूज हो रहे हैं कि लौकी का छोटी लौकी तो नहीं ना, इतनी बड़ी बड़ी अब्बा तो लौकी लेके आए थे। जरा भिंडी भिंडी चेक करो, जरा भिंडी भी जड़ीली है देखो। अगर किसी को फेंक के मार तो सर फट जाए। कहीं ऐसा तो नहीं ना, मोटा देख के तो नहीं निकाल ली? नहीं सही है, मोटा मोटा देख के तो नहीं निकाले? मिलेगा वो कहीं? मिल जाएगा, मिल जाएगा। नहीं सोचे हो ज्यादा है, मोटे से देख के सोचे हो ज्यादा है, ले लो ज्यादा देख के। देखिए दोस्तों, खीरा जो है खरीद के लाए, बताइए ठेले वाले से, जहाँ अगर भूकंप आया हो वहाँ भी दिया जाए तो कोई इसको नहीं खाए। ऊपर का कवर इसका खरबूजे की तरह। दिखाओ जरा कहाँ बांधे हो, देखे देखे तो, अरे दिखाओ तो, अरे देख तो ले, काट देंगे। अरे लाओ एक बार तो दिखाओ, अरे देखे तो चेक कर ले तो। ठीक है इधर सीधा करो, सामने करो, इधर करो, इधर तो करो सामने, इधर सीने पे बंधा है पैजामा, सीने पे, सामने से दिखाओ, सामने से दिखाओ। तो अब कल हम लोगों को जो है काम पे जाना रहेगा, हमको तो एक दिन छुट्टी मिल गई, लेकिन कल जो है साथ में अनुवाद को भी जाना रहेगा। तो कल से जो है फिर वही सुबह 10 बजे से जो है रात के 7 बजे तक दुकान पे ही रहेंगे, फिर रात में आएंगे जो ना कुछ ना कुछ जो है प्रोग्राम हो रात में। चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।